बच्चों, आज अपन कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको आज मांग की लोच कितने प्रकार की होती है और उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, इस सब के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगी। तो मांग की लोच बेटा, मांग का नियम हमें कीमत से परिवर्तन की दिशा का बोध कराता है। वस्तु की कीमत पड़ने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग कैसी हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और वस्तु की कीमत जब कम हो जाएगी तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। यह नियम यह बताता है कि कीमत बढ़ने पर टेलीविज़न की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग क्या होगी बेटा, तेज़ी से बढ़ जाएगी। जैसे किसी वस्तु की मांग कम होगी तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि नमक की मांग, मतलब अपन जो डेली प्रतिदिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो अति आवश्यक हैं, उनका कीमत बढ़ने पर भी अपन उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, नमक की मांग कीमत बढ़ने पर भी क्यों कम नहीं होती, क्योंकि वह दूसरे शब्दों में मांग का नियम यह बताता है कि मांग में किस दर में परिवर्तन होता है। वह विराम इस समस्या पर विचार करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच पर विचार किया। फिर मांग की लोच का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। मार्शल के अनुसार किसी बाजार में मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने के बाद, मतलब जो मूल्य है एक निश्चित मतलब कमी होने पर, कोई वस्तु की कमी होने पर मांग कैसी होगी बेटा, अधिक होगी। और जब मतलब कम और मूल्य में एक निश्चित होने पर मांग क्या होती है, घटती है। श्रीमती जॉन्स रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा दी है। मांग की लोच को गणितीय शब्द में परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि मांग की कीमत लोन की थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा की अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब जो कीमत है वो अनुपातिक परिवर्तन में, जो भी वस्तु अपन मांगते हैं, मतलब खरीदी गई वस्तु मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन और कीमत के अनुपातिक परिवर्तन में भाग देने से प्राप्त होती है। इस प्रकार मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली परिवर्तन की माप है। ऐसे बेटा अपन ने मांग के प्रकार पढ़े थे, इसी प्रकार अपन मांग की लोच के प्रकार पढ़ेंगे। तो मांग की लोच के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं। तो पहला है मांग की कीमत लोच, दूसरा है मांग की आय लोच और तीसरा है मांग की आड़ी लोच। कितने प्रकार की लोच होती है बेटा, तीन प्रकार की। मांग की कीमत लोच, कीमत लोच इसकी व्याख्या करता है कि बच्चों कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई वस्तु की जब मांग होती है उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से ऊपर हमने मांग की लोच का अर्थ समझा। वास्तव में वह मांग की कीमत लोच की है, मतलब मांग की कीमत लोच या मांग की लोच एक ही अर्थ है। मतलब एक नाम मांग की कीमत का भी एक ही अर्थ है और लोच का ही एक ही अर्थ होता है। तो मांग कैसी होगी, कीमत पर आधारित है, तो लोच भी कीमत पर ही आधारित है। वह में प्रयोग किया जाता है, अर्थशास्त्र में इसका अधिक प्रयोग होता है। मांग की कीमत रोज कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्रय की गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के भाग देने से प्राप्त होती है। जो मांग है कैसी होती है बच्चों, अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग मांग पर आधारित है। मतलब आप जितनी मांग करेंगे, अगर कीमत जितनी दे पाएंगे उसके आधार पर मांग की कीमत रोज कीमत में थोड़े से परिवर्तन, आप देखते होंगे प्रत्येक वस्तु की थोड़ा थोड़ा कीमत रोज परिवर्तित होती है,
तो उसे क्या कहते हैं बेटा, परिणाम उसके मतलब क्रय की गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन। तो कीमत में रोज जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुपातिक परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त होती है क्या, मांग की कीमत लोच। इसका सूत्र है बेटा ईपी बराबर, मतलब मांग की कीमत लोच आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका सूत्र दिया है बेटा, तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पर ईपी का अर्थ होता है बेटा मांग की लोच। तो अपन इससे मांग की कीमत लोच प्राप्त कर सकते हैं। फिर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, तो पहला है वस्तु की प्राप्ति। किसी वस्तु की मांग की लोच बहुत कुछ उसकी कीमत पर निर्भर करती है। साधारणतः अनिवार्य वस्तु की मांग की लोच होती है क्योंकि उनका क्रय करना उपभोक्ता के लिए अनिवार्य होता है। जैसे विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग अत्यधिक लोचदार व आरामदायक वस्तु की मांग पर साधारण लोच होती है। वस्तुओं के क्रेता वर्ग, वस्तु की मांग श्वेत वर्ग पर निर्भर करती है। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसका उपयोग केवल धनी वर्ग, मतलब ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं बच्चों जो केवल धनी वर्ग के लोग ही उपयोग करते हैं, तो उस वस्तु की मांग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कार हुई बेटा, हर कोई मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर सकता विशेष रूप से इसको, मतलब तो इस वस्तु की मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वस्तु ऐसी है जिसका उपयोग केवल निर्धन वर्ग करता है तो उन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होगी क्योंकि उसको बेटा हर वस्तु, मतलब जो वस्तु दैनिक जीवन में उपयोग होती है तो हर व्यक्ति उपयोग करता है ना, उन वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होगी, अधिक लोचदार होगी क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। स्थापन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तुओं का उपयोग। बच्चों मांग जिनके स्थान पर अपेक्षाकृत अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जाता है अधिक रोजगार होती हैं। उदाहरण के लिए बाजार में एक ही वस्तु मूल्य पर कई प्रकार के नहाने के साबुन मिलते हैं। आप देखते हो ना बेटा बाजार जाते हो, हर प्रकार हर वैरायटी का आपका साबुन मिलेगा, 5 रुपए का 10 रुपए का 6 रुपए का, और उनकी वैरायटियां भी कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। ये लक्स साबुन का मूल्य आप खरीदते हो लेकिन उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो उसका जो उसके स्थान पर आप अन्य साबुन लोगे, क्योंकि अगर कोई साबुन महंगा हो गया तो आप लोगे बेटा नहीं, सोचोगे अपन दूसरा ले लें सस्ता, है ना। उसके स्थान पर अन्य साबुन का प्रयोग करना शुरू कर दोगे जिससे लक्स साबुन की मांग कैसी हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी क्योंकि उसका मूल्य कैसा है बेटा, ज्यादा है। वस्तु का मूल्य, मांग की लोच वस्तु के मूल्य पर क्या करती है, निर्भर करती है। जिन वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है उनकी मांग कैसी होती है, रोजदार, मतलब कैसी होती है, लोचदार होती है। जिन वस्तुओं की कीमत बहुत कम होती है उनकी मांग कैसी होगी, लोचदार या बेलोचदार होती है। जिन वस्तुओं का मूल ना तो अधिक होता है और ना बहुत कम, उसकी मांग भी कैसी होगी, लोचदार होगी। तो ये कौन सा वस्तु का मूल्य था। समाज में धन के वितरण का स्वरूप, तो जो समाज में सबके पास एक सा धन नहीं होता बेटा, किसी की आय ज्यादा होती है, किसी की आय कम होती है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो ये समाज के धन के वितरण का स्वरूप। जब समाज में वितरण समान होता है तो समाज में सभी व्यक्तियों की क्रय शक्ति कैसी होती है, समान। अतः मूल्य परिवर्तन पर पूर्ण समाज पर एक सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब समाज में धन का वितरण असमान होगा तो लोग अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खरीदेंगे ना बेटा, तो मांग की मूल्य का पता नहीं के बराबर होता है। ऐसी अवस्था में कुछ व्यक्तियों की क्रय शक्ति तो अत्यधिक होती है और कुछ की बहुत कम, अतः मूल्य परिवर्तन का सब पर एक सा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उपयोगी वस्तुओं की आपके पास आय के साधन ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा वस्तु खरीद सकते हो, और आपके पास आय के साधन कम है तो आप कम वस्तु खरीदोगे, तो
इसे कहेंगे, इससे समान वितरण नहीं कहेंगे, इसलिए आय का वितरण जो समाज में कैसा है, अलग अलग है। तो आप अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करेंगे। फिर लोच तथा व्यय, किसी वस्तु पर उस व्यक्ति की मांग के बराबर होता है जो उस वस्तु की कीमत का गुणांक है। मतलब किसी वस्तु को आप उस वस्तु के बराबर, मतलब कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो तुलनात्मक करेंगे, दो वस्तु खरीदी है ना, तो उन वस्तुओं की कीमत कैसी होगी, अलग अलग। राय जानना महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव उस वस्तु पर होने वाले खर्च के परिवर्तन पर आता है। तब आप कोई वस्तु का उपयोग रुचि और फैशन के अनुसार, मतलब जब अपन कुछ मतलब खरीदना है तो उसको आप अपनी रुचि, फैशन और मौसम के आधार पर ही खरीदोगे ना, पहले से तो खरीद नहीं लोगे। तो महत्वपूर्ण वस्तु, महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव उस वस्तु पर होने वाले खर्च में परिवर्तन से आता है, बस क्योंकि कीमत तथा उस वस्तु के मूल्य एक दूसरे के प्रति मत संबंध है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु पर किए जाने व्यय में वृद्धि होती है। मतलब जिस वस्तु की मांग अधिक होगी उस वस्तु पर अपन क्या करेंगे बेटा, ज्यादा व्यय करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, व्यय वृद्धि। अथवा कभी इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी अनुक्रियात्मक है। मतलब जब कोई वस्तु महंगी हो जाएगी तो उसका उपयोग भी अपन कम करेंगे, तो कीमत में परिवर्तन के प्रति उसकी वस्तु की कितनी अपन उस पर प्रतिक्रिया करते हैं ना, नहीं रहने दो महंगा है नहीं खरीद, है ना, स्टेप्स, तो उसे कहेंगे किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि को ले लीजिए। यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत के प्रतिशत में वृद्धि की तुलना में अधिक है तो वस्तु पर होने वाला व्यय कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए बच्चों, एक वस्तु की कीमत कितनी है बेटा, 10% बढ़ती है तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी, 12% गिर जाएगी। मतलब कोई वस्तु जो अपन खरीदते हैं तो उसकी कीमत 10% बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी, 12% गिर जाएगी। वस्तु पर होने वाले कुल पर मूल्य गिर जाता है तो दूसरी वस्तु यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट में कीमत में परिवर्तन प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम हो जाता है तो वस्तु में वह अधिक होगा, और यदि प्रतिशत की मात्रा में कमी से प्रतिशत वृद्धि के बराबर होगा। मतलब जब कोई वस्तु की कीमत गिरती है तो उसके प्रतिशत वृद्धि भी कैसी हो जाएगी, उसके बराबर परिवर्तित होगी। अब गिरावट और गिरावट पर विचार करें तो प्रतिशत वृद्धि, मतलब किसी वस्तु की मूल्य जब में गिरावट आती है तो उसकी तुलना में उसकी मांग कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और वस्तु का वृद्धि हो जाए इसके विपरीत मात्रा में प्रतिशत में भी क्या आएगा, गिरावट। जब कोई वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मतलब वस्तु की वृद्धि होगी और उसकी मात्रा में क्या आ जाएगी, गिरावट, क्योंकि जब वस्तु का मूल्य कम होता है बेटा लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, इसके मतलब वृद्धि की जो उसके विपरीत होते हैं कि उसकी मात्रा कैसी होती है, कम हो जाती है। इनकी तुलना में वस्तु पर किए गए व्यय में गिरावट आ जाएगी। यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि में, मतलब किसी वस्तु की मात्रा की प्रतिशत वृद्धि होगी तो कीमत में क्या हो जाएगा, गिरावट, किस मतलब गिरावट का सामना करना पड़ेगा और वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहेगा। कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु के परिवर्तन विपरीत दिशा में आ जाएंगे। जब मात्रा में प्रतिशत में परिवर्तन कीमत में प्रतिशत में परिवर्तन से अधिक है, अथवा वस्तु की कीमत 2000 है तो वस्तु पर व्यय में परिवर्तन तथा मध्य परिवर्तन तभी समान दिशा में रहेगा। जब केवल मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होंगे, मतलब अपन कोई वस्तु की मात्रा खरीदती मात्रा में अपन वस्तु खरीदते हैं उसमें कीमत में भी क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात यदि वस्तु की कीमत लोचहीन है तो वस्तु पर तभी अपरिवर्तित रहेगा, वह मतलब अपरिवर्तित रहेगा। यदि केवल मात्रा के प्रतिशत में परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के समान है, अतः यदि कोई वस्तु की इकाई वाली है
बच्चों मांग का नियम, मांग के नियम की परिभाषा, उसके अपवाद और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व और मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। अब आप इसको इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे कॉपी में और याद